भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण और आजम खां जिस तरह से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, इसके पीछे की वजह बहुत कुछ बताई जा रही है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव बस कुछ ही महीनों बाद हैं। इसी मुद्दे को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर कयास लगा रहे हैं कि आजम खां और चंद्रशेखर के बीच जो बातचीत हुई है उसमें क्या लोकसभा चुनावों को लेकर कोई रणनीति तैयार की जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है सद्दाम से जानते हैं कि जो आजम खां और चंद्रशेखर रावण की जो मुलाकात हुई है सद्दाम, और क्या बातचीत हुई है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, और लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि रणनीति बनाई जा रही है, तो ज़रा विस्तार से बताइए इस बारे में। देखिए ज्योति, जिस तरह से आजम खान चंद्रशेखर रावण से मिले हैं, और ये तब मिले जब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और आपको याद होगा सहारनपुर ये जा रहे थे उसी बीच इनके ऊपर गोलियां चलाई गई और गोलियां छू के चली है, तो ये बड़ा सवाल है। और चंद्रशेखर रावण पर लगातार हमला होता रहता है, आजम खान का मिलना ये एक चुनावी संकेत है 2024 का रास्ता साफ करने के लिए, आजम खान उनसे मिले हैं। हालांकि चंद्रशेखर रावण पे गोलियां चलाई गई तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके निशाना साधा, उन्होंने कहा कि योगी की सरकार, योगी पुलिस पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के करीब जब वो चुनावी रैली में जा रहे थे तो उन पर टोल के पास उनके पास गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और ये सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आजम खान वहाँ पहुँचते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकेत हो रहा है कि दलित और मुस्लिम को साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। दलित और मुस्लिम अगर इकट्ठा हो जाए तो 2024 का चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनौती और शिकस्त दे सकते हैं ये लोग, जैसा कि विपक्षी पार्टी एकजुट होकर तमाम तरीके से जो है अपना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें समझना होगा कि जिस तरह से मतलब राजस्थान में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और बिहार में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा खासा उनका प्रभाव होता है, उनका इफेक्ट सीमांचल के उस इलाके में होता है, उनकी नज़र उन सीटों पर है जहां पर सीमांचल में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, तो लगता है कि अगर चंद्रशेखर रावण के ट्वीट पर अगर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, आजम खान जैसे बड़े लीडर बोलते हैं, तो ये साफ तौर पर उनको अपने अंदर खींचने की कोशिश हो रही है और लोकतंत्र को जिंदा बचाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से तमाम सारे सवाल उठते हैं, आप देखिए अभी हम खुले आसमान तले हैं लेकिन आसमान में काले बादल हैं, ये वो बादल है जो बरसेंगे या नहीं बरसेंगे कह नहीं सकते, लेकिन जो संविधान पर काला बादल है उसको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश हो रही है, इन लोगों की प्रयास हो रहा है, और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 2024 का रास्ता भी साफ किया जा रहा है और दलित मुस्लिम को साथ लेने की कोशिश हो रही है और आजम खान जैसे बड़े लोगों को साथ लेने की कोशिश हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी जो है एक मन से मुस्लिमों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।